की जासूसी इंटेलिजेंस इदारे हैं, आपके वफाकी और सूबाई हुकूमत है, तो ये सब कुछ जो मौजूद है, तो ये दहशतगर्द कहां से आते हैं? ये दहशतगर्द कहां से आते हैं और कैसे कार्रवाई करके चले जाते हैं? ना ऑपरेशन अमन के लिए होता है और ना मुआहिदे अमन के लिए होते हैं। आप डॉलरों के लिए ऑपरेशन भी करते हैं और मुआहिदे भी करते हैं, आपके ऑपरेशन भी हमारे लिए नहीं है। जवानों के और मेरे सेनेटर की लाशों के टुकड़े बोरियों में समेट दिए गए। आपको पता है उनके जिस्मों के टुकड़े, उनके हाथ, उनके कटे हुए पांव, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आते? ये बाजवर के हर फर्द का जवाब है, बाजवर के जवान का, बाजवर के बूढ़े का, कबाइली आवाम का, खैबर पुख्तूनख्वा के हर फर्द का ये सवाल है कि 3,500 अरब रुपए जब फौज पुलिस एफसी ले रही है बजट, तो मुझे अमन क्यों नहीं दे? कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, रोजगार नहीं है, 3G और 4G नहीं है, अमन नहीं है। वहां सिर्फ एक ही चीज है, दहशतगर्दी है, टारगेट किलिंग है, बत्तखोरी है। आज कबायली इलाके अफ्रीका की रियासतों से ज्यादा गुर्बत में है। आज कबायली अवाम पत्थर के जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई सहूलियत नहीं है, उनकी जान माल इज्जत और आबरू कोई चीज महफूज नहीं है। इसलिए हम यहाँ शहर इक्तदार में अपना रोना रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के कानों तक, हुक्मरानों के कानों तक अपनी फरियाद, अपने खवातीन की फरियाद, अपने बच्चों की फरियाद, अपने बूढ़ों बुजुर्गों की फरियाद वो पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ ये अमन धरना दिया है। मैं दो सवाल हमेशा पूछता हूँ। पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि फौज और पुलिस और एफसी का बजट है 3,500 अरब रुपए, 3,500 अरब रुपए, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, और ये 3,500 अरब ये किसके लेते हैं? ये मेरे और आपके टैक्सों से। मेरे भाई ने कहा ना कि हम तो टैक्स पूरा अदा करते हैं, हमारे तो बच्चे टॉफियों में टैक्स अदा करते हैं, टॉफियों में, दूध में, बिजली के बिल में 14 किस्म के टैक्स। 3,500 अरब रुपए किस लिए? कि मुझे अमन दोगे। जब तुम मुझे अमन नहीं दे सकते, फौज है, एफसी है, पुलिस है और सिविल हुकूमत है, 3,500 अरब रुपए मेरे टैक्स से लेते हो, तो मुझे अमन क्यों नहीं देते? ये सवाल मैं पूछता हूं, ये मैं सवाल पूछता हूं, मुझे सवाल का, ये बाजवर के हर फर्द का जवाब है, बाजवर के जवान का, बाजवर के बूढ़े का, कबाइली अवाम का, खैबर पुख्तूनख्वा के हर फर्द का ये सवाल है कि 3,500 अरब रुपए जब फौज पुलिस एफसी ले रही है बजट, तो मुझे अमन क्यों नहीं दे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि मैंने बाढ़ लगा दी, अब अमन आ जाएगा। आपने बाढ़ लगा दी, आपने फौज बाजौड़ कबाइली इलाकों में रखा है, आपने एफसी बाजौड़ कबाइली इलाके में रखा है, आपने पुलिस रखी हुई है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जासूसी इंटेलिजेंस इदारे हैं, आपके वफाकी और सूबाई हुकूमत है, तो ये सब कुछ जो मौजूद है, तो ये दहशतगर्द कहां से आते हैं और कार्रवाई करके कहां चले जाते हैं? मेरे उलमा महफूज नहीं, मेरे सेनेटर महफूज नहीं, मेरे ताजर महफूज नहीं, मेरे बच्चे महफूज नहीं, मेरे पूरे कबायली मशरान महफूज नहीं, तो ये दहशतगर्द कहां से आते हैं और कैसे कार्रवाई करके चले जाते हैं? मुझे कातिल चाहिए, कातिल। और शरीयत का उसूल ये है कि जिस इख्तदार और हुकूमत और रियासत में मकतूलों का कातिल न मिले, तो हुकूमत और रियासत उसकी कातिल होती है। तो मुझे यह कातिल दोगे? सेनेटर हिदायतुल्लाह का, अबू जर का, रेहान जेब का, उलमा का, ताजिरों का, नौजवानों का, अगर मुझे कातिल नहीं दोगे, तो फिर हुकूमत और रियासत मेरी कातिल है। शेम, 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 शेम।
आपने 21 छोटे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए, मैंने उसके नाम गिनवाए, अमन क्यों नहीं आता? आपने 8 मुआहिदे किए, अमन क्यों नहीं आता? हमने आपको मौका दिया, पख्तूनों ने आपको मौका दिया, 21 ऑपरेशन ये अमन नहीं आया, क्यों? ना ऑपरेशन अमन के लिए होता है और ना मुआहिदे अमन के लिए होते हैं। आप डॉलरों के लिए ऑपरेशन भी करते हैं और मुआहिदे भी करते हैं। आपके ऑपरेशन भी हमारे लिए नहीं है, आपके मुआहिदे भी हमारे लिए नहीं है, हम दोनों को मुस्तरद करते हैं। और मैं यहाँ इस्लामाबाद के शहर में ईवान सदर से पूछता हूँ, ईवान वजीर आजम से पूछता हूँ, पार्लियामेंट के 450 मेंबरान से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस बुलंद दोबारा इमारत और उसमें मौजूद चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, तुम लोगों को अभी चंद दिन पहले जो वाकया हुआ सेनेटर हिदायतुल्ला का, आपको पता है मेरे बुजुर्गों के और मेरे जवानों के और मेरे सेनेटर की लाशों के टुकड़े बोरियों में समेट दिए गए? आपको पता है उनके जिस्मों के टुकड़े, उनके हाथ, उनके कटे हुए पांव, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आते? जो ईवान सदर में बैठे, जो वजीर आजम हाउस में बैठे, जो 450 पार्लियामेंटेरियन है, जो चीफ जस्टिस इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे, इनको पख्तूनों का कटे हुए जिस्म नजर नहीं आते? पख्तून बच्चे रोते हुए नजर नहीं आते? पख्तून खवातीन रोते हुए नजर नहीं आते? हमारा जुर्म क्या है? हमारी गुनाह क्या है? हमें अमन क्यों नहीं देते? हम तो अमन मांगते हैं, हम तो अपनी मिट्टी पर अमन ना मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने उलमा के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने हुजरे के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बाजारों के लिए, अपने मार्केट के लिए अमन मांगते हैं, अमन। और आप हमें अमन नहीं दे रहे, आप हमें अमन नहीं दे रहे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ, आपको ये नजर नहीं आ रहा 100 एक धमाके में 100 लोग और मैंने पार्लियामेंट में वो पांव उठाया था, एक पांव था सिर्फ जिसमें पेशावरी चप्पल पहना हुआ था, बाकी कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। बस कर लो ये जुल्म। हमारे जवान जनाजे उठाते उठाते थक गए हैं, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे रोते रोते उनकी आंखें खुश्क हो गई है, हमारे अंदर मजीद बर्दाश्त नहीं है, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लाशें नहीं उठा सकते, हम जनाजे नहीं उठा सकते, हम अपने प्यारों को कब्रों के हवाले मजीद नहीं कर सकते। खुदा के लिए हुक्मरानो, चीफ जस्टिस, इख्तदार के ईवानों में रहने वालों, हम अमन की भीख मांगते हैं, अमन की ललकार और पुकार बुलंद करते हैं, हम अमन दो। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मिलिट्री ऑपरेशन 21 हो गए, उसमें क्या होता है? हमारी तिजारत तबाह, हमारी बागात तबाह, हमारे फसलें तबाह, अभी तक कुकी खेल और वजीर और मासीद वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए हैं, और तबाहशुदा घर के कितने देते हैं? 3.5 लाख रुपए, और 3.5 लाख रुपए जलील होकर 10-10 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर भी वो 3.5 लाख रुपए नहीं मिलते। 3.5 लाख में तो एक लेटरिन भी नहीं बनता। ये तजलील है पख्तूनों की। मैं हैरान हूँ, हमारे सरजमीन पर जमीन के अंदर किलोमीटरों अंदर मादिनियात इनको इलम है, लेकिन मेरे कातिल का इलम इनको नहीं है, दहशतगर्दों का इलम इनको नहीं होता। और मेरे सरजमीन पर जो मादिनियात है उनका इलम इनको होता है, जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से कहता हूँ, सेनेटर हिदायतुल्ला खान और बाजौड़ के तमाम शहदा, उनके नोटिस लो, बुलाओ हुकूमत को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, वफाकी और सूबाई हुक्मरानों को बुलाओ, उनसे पूछो कि दस्तूर के तहत अमन देना आपकी जिम्मेदारी।
वफादारी है। जब लोग टैक्स देते हैं तो तुम अमन क्यों नहीं देते? चीफ जस्टिस साहब, पख्तून भी, उनका खून भी सुरख है, वो भी इस सरजमीन के, इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, वो भी इंसाफ मांगते हैं, उनके बच्चे, उनके ख्वातीन, उनके बुजुर्ग, उनके सुपेदरीश, वो भी इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ दे दो। मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करते। मिलिट्री ऑपरेशन ने पख्तूनों को तबाह कर दिया है, हमारी मईशत तबाह है, हमारी इकोनॉमी तबाह है, हमारे बागात, हमारे मार्केट, हमारी फसलें, हमारे तबाह है। हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, मसाइल का जड़ है। लेकिन उसके साथ हम दहशतगर्दी की भी मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी को भी नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बदतखोरी, बम धमाके, ये मुसल्लत कर दिए गए हैं पख्तून माशरे पर, ये मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये वहां के नहीं है, ये पख्तून माशरे पर मुसल्लत कर दिए गए हैं ताकि उनको मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जवाब मिल सके। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, उसकी भी चेहरा जद्दोजहद करेंगे, उसकी भी मुर्दाबाद कहेंगे। दहशतगर्दी की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद, दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहिमत, दहशतगर्दी के मुर्दाबाद, और उसके साथ मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी मुजाहिमत और मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे भी हम लगाते रहेंगे। और आखिरी बात मैं ये करूँ, बाजौड़ में 1 लाख लोग भी जमा हो जाए, इनको कुछ असर नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कि बाजौड़ में लोग निकले 1-1 लाख और जलसे करें और उनका गुस्सा वहां पे उनके दिलो दिमाग से बाहर आए। लेकिन इस्लामाबाद में 1,000 लोग भी जमा हो जाते हैं तो इनकी टांगे कांपने लगती है। हम बाजौड़ की जंग इस्लामाबाद में लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम बाजौड़ की जंग, बाजौड़ के गली कूचों की जंग, बाजौड़ के गाँव देहात की जंग सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ेंगे, पार्लियामेंट के सामने लड़ेंगे, ईवान वजीर आजम के सामने लड़ेंगे, ईवाने सदर के सामने लड़ेंगे, प्रेस क्लब के सामने लड़ेंगे, बीच चौक के अंदर लड़ेंगे। मेरे साथ ये वादा करो, मशवरे से जब भी कॉल दी जाएगी, यहाँ देखे ना आज